क्राइम रिपोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में विरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे मैदान में। सर आपका नाम? मेरा नाम सलमान अब्दुल करीम बलोच है, मैं विरार से हूँ, मेरी उम्र 29 साल है। हाल ही में सुनने में आया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सी तैयारियों की ज़रूरत होती है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपकी क्या तैयारियाँ हैं? बहुत मेरे चाहने वाले दोस्त हैं, बहुत लोग हैं जिसका मैं बहुत काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा कोई चीज़ को जाहिर नहीं करता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब इंडिविजुअल होकर इतना काम करना है तो क्यों ना कोई पद पर रहकर इस काम को करा जाए, ताकि काम करने में और आसानी होगी। तो ये डिसीज़न मैंने खुद से अपने आप से लिया हो, और मुझे बड़ापन देने वाले मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मिलने जुलने वाले हैं, जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं उन्हें मुझे कहा, फुल सपोर्ट दिया है कि आप खड़े हो जाओ, हम लोग आपके साथ में। आपकी सीट कौन सी रहेगी? मैं विरार से लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट सेल्फ। अच्छा, यानी किसी पार्टी के बैनर तरह आप नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं खुद सेल्फ लड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि कितने लोग आपके सहयोग में हैं? मेरे सहयोग में तो बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, देखने जाओ तो हजारों के तादाद में या लाखों के तादाद में पकड़ लो, जितने मेरे मिलने जुलने वाले हैं, विरार, नाला, सुपारा, वसई, सारे लोग, जहाँ कहीं के भी, सब मेरे दोस्त हैं, सब बहुत से जगह पे मैंने काम कर चुका हूँ, बहुत से लोगों के साथ में मेरा मिलना जुलना अच्छा है, और सब लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया है, जितने लोगों ने मुझे कहा है, हौसला दिया है, अगर वाकई में वो लोग सब लोग मुझे चुनाव में मेरे लिए मदद करेंगे और मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जीत के आऊँगा। विधानसभा चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें बहुत तैयारियों की ज़रूरत होती है, तो आपकी क्या तैयारियां है? मेरी तैयारियां तो बहुत कुछ है, जैसा कि जो भी मेरे कुछ मसले हैं मैं महानगर पालिका में उसके लेटर भेजता हूँ, कभी कोई मिनिस्टर को, कभी कोई मंत्री को भेजता हूँ, तो वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े मसले ऐसे हैं जो एक पद पे रहने के बाद में आसानी से हो जाते हैं, जैसा कि आज तक विरार में बिजली की बहुत समस्या है, और जैसा कि देखते हैं कि हम बिजली का तार वो बहुत जगह पे, मतलब जैसा बॉम्बे वगैरह में है कि अंडरग्राउंड है, तो मेरी ये नियत है कि वो सारे अंडरग्राउंड हो जावे। बारिश वगैरह में बहुत से लोगों को उस पर करंट लगता है, कुछ लोगों की जाने चले जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी अंडरग्राउंड हो जावे। मैं विधानसभा में अगर बैठने लगूँगा तो मैं वो सारी चीज़ें वहाँ से पास करा कर उसको अंडरग्राउंड करने की कोशिश करूँगा। बहुत से पानी के मसले, जो बारिश में पानी वगैरह भर जाता है तो वो उसका निकलने का कोई हल नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें के पीछे हम एक फोकस करेंगे, उसको कहाँ बाहर करना है, उसका लाइन पूरा समंदर में कैसे देना है, ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई कर सकेंगे। क्षेत्र में आपकी चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी का दबदबा है ही, सब जानते हैं, फिर उसके बाद में हालिया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए पालघर सीट भी निकाली, तो उसके बाद में इन दो पार्टियों और इतर पार्टियों के अलावा आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आप कितने उनको टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये तो अभी हर किसी ने अपना अपना भाग्य आजमाया है करके, तो मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। जो जो पार्टी ने जिस जिस तरीके से काम किए वो जनता इस बात को जानती है, और मैंने जिसके लिए जो काम किया वो मेरे लोग जानते हैं, तो चुनाव होगा इसमें पता चलेगा कि किसने किसके लिए कितना काम किया। तो हो सकता है इसमें जिस पार्टी ने ज़्यादा काम किया हो उसको जनता चुन के लाए, या मैंने जनता के लिए जो काम किया हो तो जनता मुझे चुन के लाए, ये तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट के दिन। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन कौन लोग आपके सहयोग में है? मेरे सहयोग में तो देखिए हर पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि हर पार्टी के लोगों का मुझे फ़ोन आ चुका है, उनका अभी से समर्थन आ चुका है, मुझे मैसेजेस आ चुके हैं हर किसी के कि भाई आप तू खड़े हो जा, हम लोग तेरे को फुल सपोर्ट देंगे। कोई ऐसा विशेष नाम जो? मैं नाम तो अर्ज नहीं करना चाहता हूँ, बाकी के हर लोग मेरे सपोर्ट में है। आपके अपने करीबी में से कोई खास प्रेरणा स्रोत आपका? सर,
काशिफ खान है, अभिजीत गांवकर है, राशिद खान है, बहुत से लोग हैं ऐसे। अच्छा, एक सवाल ये कि ऐसे शायद ऐसा महसूस होता है कि महाराष्ट्र में, जैसा आपने बताया कि आपकी उम्र 30 साल से भी कम है, तो इतनी कम उम्र के शायद आप एक उम्मीदवार हो, तो उसके लिए आपकी क्या अपनी सोच है? देखिए, अभी देखने जाओ तो इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नई जनरेशन जो काम कर रही है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें बड़ों का नॉलेज चाहिए और जवानों की जज्बात चाहिए। तो मैं छोटा हूँ ये बात डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेरी सोच बड़ी है तो मैं वो हिसाब से पूरा अपना प्रोग्रेस, मेरा पूरा फोकस पूरा प्रोग्रेस पे रहेगा कि मैं जिस शहर में रहता हूँ विरार में, मैं इस सिटी को एक स्मार्ट सिटी कैसे बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिल के अंदर है। तो चुनाव लड़ने के बाद में अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपनी सिटी को ऐसा बनाऊंगा कि लोग उसको सालों साल तक याद करेंगे। विरार से यूसुफ अली की एक रिपोर्ट।